कि सीनियर्स अच्छे हों तो वो जूनियर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। हमारे पास सीनियर्स नहीं, हमारे पास लेजेंड्स हैं, लेजेंड। बट द सिचुएशन इज के जो हमारे क्रिकेट में लेजेंड्स हैं, हालिया दिनों में जो उनकी चपकलिश है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। अब लोग ये सोचेंगे कि कैसे, हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वसीम अकरम एंड माय मोस्ट फेवरेट द स्पीड स्टार शोएब अख्तर की। लोग समझ रहे हैं कि इनके दरमियान अगर कोई चपकलिश हुई है तो वो टीम पे कैसे असरअंदाज होती है। वो ऐसे होती है कि एक जाने जब आप पड़ोसी मुल्क भारत को देखते हैं तो वहाँ वो अपने पुराने प्लेयर्स को अपने नए प्लेयर्स की ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक मिसाल राहुल द्रविड़ थी कि जिसने बेहतरीन उनके अंडर 19 टीम बना के दी। दूसरी मिसाल अब महेंद्र सिंह धोनी है जो कि रिटायर हो चुके हैं बट नाउ ही इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप विद द टीम एज अ रोल मॉडल। जैसे कि मैं हमने बात की ना कुछ अर्से कबल पड़ोसी मुल्क के साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर, उन्होंने कहा था कि भारत में रोल मॉडल की कमी पर सीनियर क्रिकेटर्स को जो है उन्होंने आड़े हाथों लिया था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ जैसे हमने बताया कि बतौर मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी इज़ गोइंग विद द टीम टू द वर्ल्ड कप। लेकिन अब सिचुएशन ये बन रही है के पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत बुरी अलग नजर आ रही है, अलग नजर आई है, और वो ऐसे के वसीम अकरम ने कोई बयान दिया और फिर शोएब अख्तर ने उसका जवाब दिया। तो पहले देख लेते हैं ये तमाम तर चीज़ें शुरू कैसे हुई, आपको सुनाते हैं ज़रा। जो हमने सबसे पहले आपको सुनवाया था, सबसे ज़्यादा तश्वीशनाक बात ये थी कि ऐसे मुल्क में जाने प्लेयर्स की ऐसी बातें बताना, ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर मोड ये चीज़ें चलती हैं, बट एक ऐसे मुल्क में जाके बताना जो ऑलरेडी आपके खिलाफ इतने ज़्यादा जहर उगलता है थ्रू द मीडिया, और आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब भारत कांपता था शोएब अख्तर से, उनके बैट्समैन कांपते थे, और उधर जाके जनाब अली इस तरह की गुफ्तगु करना, फिर उसका जवाब, फिर उसका जवाब, बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है। इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कामरान अकबल, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट ओपनर रहे, बेहतरीन कीपर रहे पाकिस्तान के लिए। कामरान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियां दाद से लेके वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इंजमाम, शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान ने कई स्टार्स बनाए, ये तो मैंने चंद नाम लिए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब क्या मसला है, उतने बड़े नाम नहीं बन रहे, वो स्टारडम नजर नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखें प्रॉब्लम सिर्फ वही है ना कि मैसी क्रिकेट को इग्नोर किया जा रहा है। ये जिनके आपने नाम लिए हैं ये वो सिस्टम से आए हैं जो बंद किया गया सिस्टम, डोमेस्टिक क्रिकेट का डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजन क्रिकेट खत्म की गई है और 6 टीमें पाकिस्तान की कर दी गई है। ठीक है, इमरान खान जैसा विजन या ऐसी समझ के हमें किसी को भी नहीं हो सकती, लेकिन रियलिटी यही है कि पाकिस्तान की जितनी आबादी है उस हिसाब से टीमें बहुत कम है, तो ये बढ़ाना चाहिए। और वैसा टैलेंट इसलिए नहीं आ रहा कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खत्म हुई है, क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हुई है, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट खत्म हुई है, तो ये चीज़ें सोचने वाली है। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम सारा चेंज कर दिया, तो ये नुकसान हो रहा। बेशक आप ये सिस्टम रखें लेकिन 6 टीमों के साथ नहीं चल सकता, बढ़ानी पड़ेंगी टीमें, 15 टीमें, 12 टीमें करनी पड़ेंगी, फिर जाके प्लेयर्स मिलेंगे, शौक होगा खेलने का, फाइनेंशियली क्रिकेटरों को हेल्प मिलेगी जब वो खेलेंगे। देखिए ब्रेड एंड बटर क्रिकेट खेलने के साथ ही आता है। आप इंडिया की मैं अभी मिसाल दूं, आज मैं देख रहा था, सुन रहा था, उनकी पहले 37 टीमें थी, अब 43 टीमें हो गई हैं, 6 टीमें उन्होंने और बढ़ा दी रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि उनके पास टैलेंट इतना, प्लेयर्स इतने आगे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, मैचेस ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। हमारे मुल्क में टोटल 6 टीमें हैं, ये सिर्फ फर्क आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा कामरान, आप कह रहे हैं टीमें बनाना, टीमें बनाने के लिए सिलेक्शन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आई थिंक मुझे ये टीम सिलेक्शन पर भी बात करनी चाहिए। जो टीम सेलेक्ट हुई है उसके बारे में आपकी राय क्या है, कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है फिर भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए सिलेक्शन में आप देखें कि मिड ऑर्डर काफ़ी प्रॉब्लम में था काफ़ी अच्छे से, तो वहाँ पे अगर आप आज से 6-8 महीने पहले जैसे लाइक शोएब मलिक जैसा बंदा टीम में सेटल होता तो बड़ा अच्छा होना था। हफीज़ एक ही बंदा जो एक्सपीरियंस है, अगर उसकी फॉर्म ना हुई तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होगा। बॉलिंग में वहाब रियाज है, इसको होना चाहिए था, लीग खेलता हुआ आ रहा, फॉर्म में है, प्रैक्टिस में है, पेस है, रोवर स्विंग होने का चांस है यूएई में, तो ऐसे बॉलर्स को होना बड़ा ज़रूरी था। नए बॉलर ज़रूर होते हैं, एक आधा होना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर का फायदा होना चाहिए, क्या नाम है, नए बॉलरों के साथ या नए फास्ट बॉलर्स हों तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है,
तो ये चीज हम लोग मिस करेंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की टीम है, एक चीज अच्छी है कि चेयरमैन साहब आए हैं तो उन्होंने इंटरफेयर किया, पूछा, चेक एंड बैलेंस किया, उनको जो बेहतर समझा, सिलेक्टरों ने जो बेहतर समझा, टीम बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जरूर मिस करेंगे एक्सपीरियंस मैनेजर से पहले बात की है। अच्छा, अदनान अकमल हो गए, बिलावल भट्टी हो गए, उसामा मीर हो गए, इन समेत कई खिलाड़ी जो है वो आते हैं एंड दे जस्ट डिसअपीयर, तो क्या वजह है? टैलेंट आता है तो कहाँ चला जाता है, आप क्या समझते हैं? उसे बेहतर तरीके से मौका नहीं मिल पाता, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो चेयरमैन साहब आए हैं ना, तो अब ये चेक एंड बैलेंस होगा, और मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब को देखना भी चाहिए ये मैटर। ये लड़के वो हैं जो सीजन प्लेयर खेलते हैं और हर साल खेलते हैं। उसामा मीर दुनिया की हर लीग भी खेलता है और पीएस डोमेस्टिक भी खेलता है। सरप्राइजली मैं हुआ हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ कि वो नहीं है। अदनान अकमल 21 टेस्ट मैच खेला है, सीजन प्लेयर है, वो नहीं है। बिलावल भट्टी नहीं है, तो ये कसूर किसका है मुझे बताएं ना, इनका कसूर क्या? इतनी परफॉर्मेंस है इनकी डोमेस्टिक में, फिर टेस्ट प्लेयर भी हैं। उसामा तो खैर अभी नहीं है, लेकिन वो भी खेल सकता है, ऐसा टैलेंट है, ऐसा लेग स्पिनर है हमारे पास। लेकिन ऐसे प्लेयरों को अगर नहीं रखेंगे तो वो जाया होंगे। आगे आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की टीम बनी है तो हम लोगों ने किन को खिलाया? ना पहले वालों की परफॉर्मेंस है, ना नए खिलाए हैं, वो सेटल हुए हैं, और ये जो आए हैं आपके सामने परफॉर्मेंस बेस पर, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लड़कों को नहीं मैं ब्लेम करूंगा, ये मैनेजमेंट का काम है कि प्लेयरों को कैसे सिलेक्ट करना है और किस परफॉर्मेंस पे करना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, और इसमें फौरन देखना चाहिए, जो जिन्होंने ये टीमें बनाई हैं, चेयरमैन साहब को देखना चाहिए, इन प्लेयरों को अभी बुलाएं और अभी टीम के साथ रखें और काम करें, और ये खेलने जाके, अभी सेकंड 11 का T20 है, वहां पे जाना चाहिए, इनको खेलना चाहिए। ऐसे प्लेयर्स हैं, ये दुनिया की हर क्रिकेट खेल सकते हैं, टेस्ट प्लेयर है, तो इसलिए इनका होना बड़ा जरूरी है, जाती है और देखना भी चाहिए। ठीक। अच्छा कामरान, माशाल्लाह आप हर सीज़न में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, नए बॉल से T20 में स्कोर करना आपके लिए तो आसान है, लेकिन आप क्या समझते हैं, जैसे हम बार बार सिलेक्शन की तरफ ध्यान आपका दिलवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि सिलेक्शन किसी भी टीम को बड़ा मजबूत बना देती है परफॉर्म करने के लिहाज से भी, और दूसरा ये कि आवाम की उम्मीदों के लिहाज से भी, तो सिलेक्शन में आपकी नज़र में कहाँ रुकावट आ रही है? और ये जहाँ भी खेलता हूँ 100% कमिटमेंट देता हूँ। ये तो मैंने कहा ना कि ये तो मैनेजमेंट के फैसले हैं, सिलेक्टरों के फैसले हैं। सिर्फ इतना बोलूंगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात करूंगा कि पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम समझ के बनाए, चाहे कोई भी हो, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम होनी चाहिए, ना तो यारी दोस्ती होनी चाहिए। मैनेजमेंट में भी कही हमारा साथ खेलता रहा, अगर वो डिजर्व नहीं करता टीम के साथ किसी भी रोल में तो उसको जबरदस्ती ना लेके जाए। ऐसे प्लेयरों का क्रिकेट प्लेयर जीतेंगे, खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान का नाम होगा, पाकिस्तान की टीम ऊपर जाएगी। अभी ग्राफ इसी वजह से नीचे गया है कि तू मैंने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। सिर्फ इस कोचिज की बात नहीं करूंगा, जो पिछले दोनों कोचेज गए हैं उनकी भी बात करूंगा, जैसे वो उन्होंने ब्लंडर मारे हैं, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की है, वो संभाला नहीं जा रहा। और अब हमें उम्मीद है चेयरमैन साहब से, रमीज भाई से, एक दो एक्स क्रिकेटर हैं, कप्तान है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ लगे हुए, अपनी क्रिकेट छोड़ने के बाद भी, तो उनको सारा पता है और चैलेंजेस बहुत हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है मैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी और जानी भी चाहिए। इनके होते हुए नहीं गई तो फिर समझे कि कोई भी नहीं कर सकता, तो ये डिसीजन लेने, क्रिकेट बेहतर करनी बड़ी जरूरी है। सिर्फ एक एम होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जीते, अच्छे क्रिकेट खेले और डिजर्विंग लड़के हों और प्रोसेस के साथ आए, फिर जाकर बेहतर होंगे। और चाहे इसमें कोई भी लड़का हो जो डिजर्व करता है, फिटनेस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि यारी दोस्ती होनी चाहिए। जैसे कि आपने भी बारह अपनी गुफ्तगू में कहा, कामरान बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।